मीनिंग ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस, ये क्वेश्चन तुमको शॉर्ट नोट में आएगा और तुम्हारा आंसर एबीसी फॉर्म में एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले डिराइवेशन ऑफ द वर्ड साइंस, साइंस कौन से वर्ड से आया? लैटिन वर्ड साइंसिया व्हिच मींस नॉलेज। सो साइंस क्या है? इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड या पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी, जहां पे ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तय किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, करेक्ट? सो व्हाट इज मेंट बाय साइंस? साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्यों बोल रहे हैं? यदि हम नेचुरल साइंस की बात करें तो वो नेचुरल फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स जो रियलिटी की बात करता है, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल, इफ यू मिक्स H2O तो इट विल बी वाटर। सो कारण और नतीजा साइंस में परखते आता है, चेक करते आता है। कम टू टाइप्स ऑफ साइंस, जिसमें पहला प्रकार है नेचुरल साइंस, साइंस विच डील्स विद द इनएनिमेट थिंग्स, मतलब पत्थर पहाड़, ठीक है, और नेचुरल फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज नेचुरल साइंस। सो टेक द एग्जांपल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, यहां से सन कितना दूर है? 14,94,50,000 किलोमीटर्स अर्थ से सन का डिस्टेंस है। ये जो भी फील्ड है, ठीक है ना, ये प्रॉपरली मेजर करके अर्थ रिवॉल्व होता है। इनफैक्ट जो इस साल मेजर किया गया, अर्थ आई थिंक पॉइंट समथिंग 0.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 0.05 सेकेंड स्पीड अप हुआ है रोटेशन उसका, ठीक है। सो इट इज एन एग्जैक्ट साइंस, एक्यूरेट साइंस, बिकॉज यू आर डीलिंग विद नेचुरल फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द एयर इट इज बाउंड टू कम डाउन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तुम्हारा लॉ ऑफ न्यूटन एंड ओम्स लॉ करके है, सो मेनी लॉज, लॉ ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन सुना था, कब आया था? 1908, फॉर विच एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, आई थिंक इन द ईयर 1924 के आसपास ही गॉट। तो यहाँ पे लेबोरेटरी या कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स आर पॉसिबल। इफ यू चेक आउट, हिटलर के लिए ज्यूस को जो मारना था, उसके लिए सोचो ना, जो केमिकल यूज किया था, जो धुआं गैस, मुझे किसी ने कोई नाम बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा ही कोई गैस था। इफ तुम बंद गाड़ी में, बंद रूम में गाड़ी चालू कर दो, विद इन 5-10 मिनट तुम बेहोश हो जाएगा, 15 मिनट्स में गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डेंजरस गैस। तो वैसे टाइप का जो गैस है, तुम गूगल भी कर सकते हो, कौन सा गैस यूज किया हिटलर ने? हाँ, आई डोंट नो इट वाज विच गैस। क्लोरोफॉर्म से बेहोशी आता है, मरते नहीं है, पॉइजनस गैस यूज किया गया था। और अभी भी तुम वर्ल्ड वॉर टू के डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो गैस के कैनिस्टर्स जो है या डब्बे हैं, वो शायद अभी भी वहां पे रखे हुए, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो वो बंद रूम विदाउट खिड़कियों में इनको भेज देते थे और ऊपर से गैस छोड़ देते थे। नाउ साइनाइड सुना है? साइनाइड, साइनाइड कंज्यूम करने के बाद कितने देर में आदमी की डेथ होती है? अच्छा हाँ, लेस देन अ मिनट, लेस देन अ मिनट के अंदर। तो साइनाइड का जो कंपोनेंट है वो लेबोरेटरी में क्रिएट किया जा सकता है। तुमने इसराइल का मोसाद का नाम सुना है? मोसाद जैसे उनका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसराइल पर डेंजर है, वो लोग वहां जाकर खत्म करते हैं उसको। वर्ल्ड का डेडलीएस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है मोसाद, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो जहां तक मेरा नॉलेज है, इसराइल जो ज्यूज, मेन ज्यूज है इसराइल में, पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में वॉर या झगड़े चलते रहते हैं, जैसे कश्मीर में अपना पाकिस्तान का है। तो इसराइल और पैलेस्टाइन का बहुत सालों से झगड़े चलते आ रहे हैं। तो वो लोग अपने दुश्मन को बख्शते नहीं है, उधर घर जाकर उड़ा डालते हैं, या तो बम से। तो एक जगह पे दिक्कत हो रही थी, तो वो लोगों ने उस
उसके टूथपेस्ट में वो पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स किया, बट इंस्टेंट डेथ नहीं, धीरे धीरे और उसकी तबीयत खराब होते गए। हाँ शायद शायद वही था, शायद वही था। तो उससे तो विद इन 15-20 मिनट्स। अच्छा, इनको प्रूफ भी करना था, इनको मारना भी था, बट प्रूफ भी नहीं चाहिए था। तो उन्होंने धूरे उसको टूथपेस्ट में इंजेक्ट किया वो केमिकल, और हर रोज वो ब्रश करता था। धीरे धीरे तबियत, ही नेवर रिकवर्ड एंड पास्ड अवे, ये स्टोरी है उनकी। तो तुम मोसाद डालोगे ना यूट्यूब में, ऐसे ऐसे ऑपरेशन उन्होंने किए हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो सबसे डेडलीस्ट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, दैट इज इजराइल्स मोसाद, करेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये लोग नेचुरल साइंस का काफी यूज करते हैं। बिकॉज अच्छा, उनका जो कोई भी सी इजराइल चारों ओर अरब कंट्री से घिरा हुआ, लेकिन कोई भी इजराइल पे जीत नहीं पाया। ऐसा भी वक्त आया था जब उसके आजू बाजू के देश उस पर अटैक करने वाले थे, उस समय इसराइल ने खुद ने अटैक कर दिया, काउंटर अटैक कर दिया उन्होंने। सो वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है हर एक के लिए, और जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं वो लोग उसके इराक में घुसकर, उन लोगों ने इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ा डाला था, जो ऑपरेशन वो लोग करते हैं। सो वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो हाई एंड और वर्ल्ड क्लास। सब नेचुरल जो साइंस का वो लोग यूज करते हैं, खास करके डॉक्टरी का। अभी देखो चाइना ताइवान का ये चल रहा है, अभी ताइवान का जो आर्म्स में साइंटिस्ट टाइप है वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मर गया। सीधा बात है, इस तो मिक्स किया होगा कहीं ना कहीं, और ये लोग ऐसा मिक्स करते कि पता भी नहीं चलता, कॉज ऑफ डेथ अननोन, ठीक है। सो ये सब नेचुरल साइंस, विच इज अ नेचुरल फीचर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि प्रिसाइस है। तुम वो केमिकल कंपाउंड्स को मिक्स करोगे, तुम देखो जो कोबरा का ब्लड, कोबरा का पॉइजन ब्लड में मिक्स करोगे, तो वीडियोस देखना, हाँ हो ठीक हो जाता ठीक हो जाता है। तो वही बॉडी में रिएक्शन आता है। जो सबसे डेडलीस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड है, ब्लैक मैम्बा, ब्लैक मैम्बा स्नेक का नाम सुना है? बाकी स्नेक पीछे भागते हैं, वो सामने जो अटैकर के, मतलब वो अटैक करता है, बोलते हैं ना साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऐसे भी देश है या ऐसे भी जगह है जहां पे वर्ल्ड के डेडलीस्ट, और पॉइजन को मारने के लिए पॉइजन ही लगता है जिससे क्रिएट होता है। तो ये सब नेचुरल साइंस का ही काम, करेक्ट। नाउ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी बहुत आगे आ चुका है। अभी तुम विश्वास नहीं करोगे, 5G जब लॉन्च होगा इट विल बी 30 टाइम्स फास्टर है देन 3G, 10 टाइम्स फास्टर है देन 4G। तो तुमको समझ में आएगा, जो 1 GB के डाउनलोड्स है वो तो सेकेंड्स में होना शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ पे हमारा 100 MBPS का स्पीड है उससे पता चलता है, बड़े फाइल थे ना 1 GB का जो वेट करना पड़ता था, यहाँ देखा कट हो जाता। वो भी बोलते ना एयरटेल जो बारीक, क्या बोलते हैं उसको, फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, ये लोग यू का ऑप्टिक फाइबर भी नहीं है, फिर भी डाउनलोड स्पीड का जाएगा। 5G ये महीने नहीं तो सितंबर में लॉन्च हो जाएगा, और 5G नहीं आया अगस्त में, एंड में या 15 अगस्त को कोई ना कोई लॉन्च कर देगा जियो एयरटेल में से, और सितंबर तक आ जाएगा, और बाय 2024 पूरे इंडिया में 5G फैल जाएगा, करेक्ट। तो ये सब का जो टेक्नोलॉजी है ये सब नेचुरल साइंस बेस्ड है। तो मैंने सुना कि साइबर में भी मोबाइल और फोन तो आपको दुनिया सैटेलाइट से, बट हाँ से अगर हम फॉरेस्ट में किसका किसका, एलन मस्क का बात कर, इलोन मस्क में अगेंस्ट सैटेलाइट में जो अभी वॉर चल रहा है ना यूक्रेन, उन्होंने प्रोवाइड किया था, इलोन मस्क ने सैटेलाइट दिए हुए हैं यूक्रेन को, इसलिए रशिया ने एलन मस्क का एंट्री रशिया में बैन किया है। तो बट वो सैटेलाइट का कॉस्ट, सी एवरी इंडिया ने अलाउड नहीं किया एलन मस्क का, इलोन मस्क इंडिया में भी आ रहा था, इंडिया ने अलाउड नहीं किया, बहुत सीधी बात महंगा है, महंगा। और यदि वो लीक हो गया डेटा, इंडिया का नहीं है, 5G के सारे इंडिया खुद बिल्ड कर रहा है, पहले वो क्या नाम है, हुआई जो चाइना का है, तो डेटा लीक करके उधर चला जाएगा ना, तो इंडिया 5G खुद का डेवलप कर रहा है, और उसमें नोकिया जो फिनलैंड का कंपनी ना वो साथ दे रहा है। नोकिया फिनलैंड, फिनलैंड का कंपनी है,
मोबाइल में नंबर वन था, लेकिन वो अभी काफी पीछे हट गया नोकिया, या बंद हो गया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और नोकिया ये जो टावर्स, ये जो 5G का है ना, उसमें एक्सपर्ट है, बट मोबाइल में जो नंबर वन था वो स्मार्टफोन और एंड्रॉयड अडॉप्ट नहीं किया, वो कारण था उसका बंद होना। तो नेचुरल साइंस इज अ प्योर साइंस, यू कैन एज्यूम कि इट इज परफेक्ट। उसके ठीक विपरीत सोशल साइंस, सोशल साइंस इज अ साइंस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ मैन एज अ सोशल एनिमल। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ मैन, यदि किसी को डाटा, ठीक है, एक नाउ एक स्टूडेंट को डाटा, कोई इमोशनल हो जाएगा, तुम्हारी तरह हंसने लग जाएंगे, कोई मुंह चढ़ा के बैठेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सबके रिएक्शन अलग है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोशल साइंस में आर डीलिंग विद ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस का साइकोलॉजी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बट यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस का बिहेवियर, तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है तुम कुछ नहीं करोगे, मूड खराब है तो नॉर्मल चीज में भी गुस्से हो जाओगे, टेस्ट बोला तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, टेस्ट नहीं रहा तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है, करेक्ट। सो सोशल साइंस लेस एक्यूरेट है, लेस एग्जैक्ट है, और यूनिवर्सल भी नहीं है। एग्जाम्पल, अभी जैसे अमेरिका में दो कार का एक्सीडेंट हो, ठीक है, पिछला वाला कार सामने वाले के पास जाएगा और बोलेगा आर यू ओके, टक्कर हो गई इज्जत से, वो बोलेगा आई एम फाइन। दुबई में एक्सीडेंट हो गया तो पहले तुमको पुलिस को फोन करना पड़ेगा। इंडिया में दो कार का टक्कर हुआ, पहले वाला बाहर निकलेगा, दूसरे वाला, दोनों की गचंडी पकड़ेंगे और एक की धुलाई होगी और पब्लिक आकर वो भी मार के जाएगी, कोई संबंध नहीं, और लोग हाथ साफ कर लेते हैं। इंडिया में तुम देखना एक्सीडेंट हुआ तो किसकी गलती है पता नहीं, लड़ाई शुरू हो जाता, उसमें भी लड़की एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो सब मदद के लिए भागेंगे, लड़का तड़प रहा है ले जाओ कोई देख नहीं रहा है, ये फैक्ट है, कुछ जगह पे हेल्प होता है, ठीक है ना, बचाओ बचाओ करेगा, लेकिन लोग कुछ लोग वीडियो निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी एक एक एक्सीडेंट का किस्सा था, मेरा एक स्टूडेंट है, वो कार में गहू का आटा, तुमको शायद बताया कि नहीं, तो गहू का आटा लेके जा रहा था तो कार पलट गई, तो आटा उसके सर पे गिरा, बोलते ना टॉपसी टर्वी या 360 डिग्री एंगल, लोग बचाने गए, भूत भूत करके भाग गए, क्योंकि वो पूरा पाउडर से था, 24 डेज जो मैंने बताया था, भाई ने कहा बाइक में एक्सीडेंट किया था। सो प्रॉब्लम इज सोशल साइंस में, अच्छा उसका जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो एक आदमी मदद के लिए मोबाइल चुराने आया था, वो मोबाइल ले रहा था तो इसने पकड़ लिया था तभी। तो यहाँ पे ये भी हो जाते हैं, मोबाइल गायब हो जाते हैं, कुछ सामान रहा तो वो गायब हो जाता है, और अपने को लगता है मदद करने के लिए, ठीक है। सो ये लेस एक्यूरेट है, इसको स्ट्रिक्टली प्रूव भी नहीं कर सकते, और बेस्ट एग्जाम्पल इज इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मतलब बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री, एथिक्स। अभी एथिक्स में, अभी जैसे कॉपी करने का, एक आदमी बोलेगा मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव कॉपी करूं, मेरा एथिक्स है, एक बोलेगा कि मैं कुछ कॉपी नहीं करूं, तीसरा बोलेगा दिख गया आंसर तो मैंने कॉपी किया, चौथा बोलेगा ना ना आज सोमवार है, मंगलवार के पेपर के दिन कॉपी करूंगा, ठीक है, और एक दिन बोलेगा नो एथिक्स, उसका पूरा बाकायदा पेपर एज इट इज कॉपी कर लेगा। सो एक ही आगे पीछे आजू बाजू, उसने दिखाया तो चिमटी या मुक्का, ये धमकी बाहर नहीं दिखाता हो तो डर के मारे, जो चलता है यंगस्टर्स में, राइट। सो एथिक्स अगेन अलग अलग लोग के लिए अलग अलग है, इफ किसी को कुछ घड़ी या गोल्ड मिला, नॉर्मली थैंक यू रख के चले जाएंगे, कुछ ईमानदार लोग हैं जो पुलिस चौकी में फोन करेंगे, या मोबाइल मिल गया तो भाई अपना क्लास एक ट्रिप में गया था तो एक मोबाइल मिला था, तो उससे जो फर्स्ट नंबर उसको कॉल किया, बोला भाई लकीली बात कुछ हो पाया, उसको बोला इधर आके ले जा, और तुम्हारा किसी का मोबाइल गुमा होगा तो कभी नहीं मिला होगा, ऐसे हुआ है किसी का, तुमने सुना भी होगा, मोबाइल गुम गया तो गया, मिलता ही नहीं वापस, मिला क्या वापस। हाँ बस।
तो घूम गया था। हाँ, तो मिला कि नहीं फोन, मेरा सवाल है। तो लोग, कुछ लोग वापिस करते हैं। अच्छा, एक फोन ना कहीं पे मैंने कोई रिलेटिव का गुम गया था, सामने वाला उठाया भी नहीं, हमको मिला है। इसने बोला मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ पैसे, आप कुरियर कर दो। उसने कभी कुरियर नहीं किया। इसने बोला आप भेज दो या ऐसे भेजो कि पैसा हम रिसीव करें। हाँ ठीक है, सो रखो फोन को। हाँ तो आई होप सोशल साइंस क्लियर है सब लोग, ये इम्परफेक्ट साइंस है। नाउ मेरा एक सवाल तुमसे, इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस है क्या सोशल साइंस? सोशल साइंस सोशल साइंस है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस। नेचुरल मतलब परफेक्ट साइंस है, तो इकोनॉमिक्स इज एन इम्परफेक्ट साइंस, बिकॉज तुम बाइंग बिहेवियर, डिमांड सप्लाई, ह्यूमंस और ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन सब बदलते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ओके, तो ये खत्म होता है नेचुरल सोशल।